दीदी स्कूल टीचर थी। दीदी ने मतलब स्कूल में टीचर के रूप में काम किया हुआ है मोर देन 16 इयर्स। दीदी कॉरपोरेट वर्ल्ड का भी हिस्सा थी, उन्होंने वहाँ पे 5 साल कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी काम किया हुआ है। प्रेजेंटली दीदी एज अ फ्रीलांस ट्रेनर है। दीदी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए फ्री सेशंस लेती है। दीदी ने फर्स्ट यूएच वर्कशॉप 2021 में किया हुआ है। तो अभी मैं अर्चना सेनगर दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बातें रखें। दीदी ओवर टू यू। अर्चना दीदी, हेलो, हाँ हाँ जी दीदी, आवाज क्लियर है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, मेरा आवाज अभी क्लियर है? ओके हाँ क्लियर है दीदी, यस। भैया, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों के लिए कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे बॉडी लेवल और मेरे सेल्फ लेवल को अपलिफ्ट करने की कोशिश की है इस जीवन यात्रा में या किसी भी जीवन यात्रा में की हो, तो उन सबका आभार। आपने मेरा संक्षिप्त परिचय तो दे ही दिया। मेरा नाम अर्चना सेंगर है और मैं टीचर कम ट्रेनर के रूप में प्रेजेंटली हूँ इस धरती पे। मेरा यूएचपी से जुड़ना 2021 में हुआ और मैंने UHV 1 2 प्लस स्टूडेंट वर्कशॉप जो हुई उसमें भी ऑनलाइन मोड में हिस्सा लिया। इस बीच दो जीवन परिचय शिविर फेस टू फेस किए। इस कंटेंट ने मुझे बहुत ज्यादा ही प्रभावित किया। इनिशियली तो मैं इस कंटेंट के बारे में काफी एक्साइटेड रही कि जैसे कोई पारस मणि हाथ लग गया हो सच में, परंतु उस पारस मणि का यूज कैसे करना है इसका पता नहीं चल रहा था। और बड़ी बात ये थी कि ध्यान भी घूम घूम कर EHV या जीवन विद्या के कंटेंट के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, परंतु आगे गति कैसे बने इसका रास्ता भी नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये था कि कंटेंट मेरे पास था इंफॉर्मेशन के रूप में, पर आचरण के रूप में दूर दूर तक नहीं था। इत्तेफाक से इस खोज यात्रा में मेरा मिलना गणेश बगाड़िया भैया जी से हुआ, जिनमें मैंने इस कंटेंट को उन्होंने कैसे अपने आचरण में उतारा है, कैसे उसे ही जीवन का उद्देश्य बनाया है, ऐसा जीता जागता मानव के रूप में मुझे गणेश भैया दिखे। फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मोती भैया, भानु भैया से भी मिलने का सौभाग्य मिला। यहां से मुझे मेरी जर्नी की एक दिशा दिखाई दी। उसी दौरान UHV 3 जो मॉर्निंग सेशन, जो कि अभी प्रेजेंट मॉर्निंग सेशन है, उनमें जो मॉर्निंग अभ्यास 1 व अभ्यास 2 के स्टेप्स पे काम करने से मैं बहुत ज्यादा ही आराम की स्थिति में आ गई हूँ, ऐसा मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है इसकी क्लैरिटी दिखने लगी है। ये दिखने लग गया है कि मैं मानव हूँ, मेरे भीतर 24x7 कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे मैं उससे अवेयर हूं या नहीं। यदि मैं अपने प्रति सजग होती हूँ, इच्छा विचार आशा को स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ, तो ही मेरी गति बनती है, नहीं तो अज्ञानता या बेहोशी के आलम में जिंदगी जैसे गुजर रही थी वैसे ही आगे गुजरती जाएगी। UHV के थ्रू मेरी खुद से पहचान, यानी कि मुख्य रूप से मैं के बारे में मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल परिचय नहीं था। बचपन से ही मेरे परिवार का एक ऐसा वातावरण रहा, मेरे नाना जी, बुआ जी और खुद मेरे पिताजी से स्टोरीज और बातचीत के दौरान काफी कुछ सोल आत्मा के ग्लिम्सेस मिलते थे। भगवत गीता से भी आत्मा से परिचय था, परंतु कभी खुद को सेल्फ के स्वरूप में पहचान नहीं हो पाई थी। जब मैं से पहचान हुई कि मेरा शरीर और मैं एक संयुक्त रूप है और दोनों में अंतर को देख पाना मेरे लिए इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था, पर बाद में एक्सरसाइज 1 के दौरान ये थोड़ा सा क्लैरिटी आई। ये ग्लिम्स भी मिला कि मेरे सुख दुख का कारण उसके पीछे चलने वाले मेरे भाव और विचार हैं, और भाव और विचार के पीछे जो बैठा हुआ सोर्स है वो मेरी मान्यताएं हैं, संस्कार हैं। और अगर मैंने इन संस्कार को नेचुरली एक्सेप्टेंस माने सहज स्वीकृति से ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं किया,
तो यही मेरे सुख और दुख का कारण है, ऐसा मुझे क्लैरिटी बहुत अच्छी से आई इस एक्सरसाइज वन के दौरान। इन इन सब में सबसे ज्यादा काम जो है वो भाव के पीछे सोर्स को पहचानने वाली प्रक्रिया में लगा, और मेरा इस बात को शिफ्ट भी पहुंचा कि मैं शरीर नहीं अपिति शरीर प्लस मैं का एक संयुक्त रूप हूं, और उसमें भी मैं का सेंटर में होना मेरे लिए ज्ञान की पहली सीढ़ी थी। मैं निर्णय लेने वाला हूं, मैं ही संवेदना को पढ़ने वाला हूं, मैं ही मीनिंग देने वाला हूं, और मैं ही सुखी दुखी होने वाला हूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा शिफ्ट था। मेरा सेकंड शिफ्ट अगर मैं देखूं अपने आप में, तो विचारों को देखना और विचारों के अंडरनीथ फीलिंग माने भाव को देखना, और भावों के नीचे सोर्सेस को देखना, उसके भी नीचे ये पहचानना कि ये संस्कार जो है वो किस पर आधारित है, सेंसेशंस पर कि प्री कंडीशनिंग पर कि नेचुरल एक्सेप्टेंस पर, किस रूप में संचालित है। ये मेरा सेकंड शिफ्ट था। इतनी गहराई में अपने भीतर की यात्रा मैंने अब तक की शरीर यात्रा में नहीं की थी। थर्ड शिफ्ट अगर मैं देखूं तो संस्कारों को लेयर बाय लेयर देखना, उसे पहचानना और उसे नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ एनलाइन करना, उनमें गैप को देखना और देखकर परेशान भी होना। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं होती थी, परेशान भी बहुत होते थे, पर फिर धीरे धीरे अपने में परिमार्जन के लिए काम करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि हर क्षण अपने भाव के प्रति सजग रहने में और परिमार्जन लाने में केवल प्रयास मात्र ही हो रहा है, और मैं ये मानकर चल रही हूं कि अभी तक वैचारिक इंफॉर्मेशन है और आचरण तथा ज्ञान में स्थापित नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरे जीने में जो गैप दिखता है उससे पता चलता है, और इस गैप का दिखना ही मेरी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी को बनाता है। अगर मैं फोर्थ शिफ्ट की बात करूं तो ये तब आया जब मैंने अपनी मान्यताओं की सूची बनाना शुरू किया। मान्यताओं को की सूची बनाना मेरे लिए बड़ा ही हिम्मत का काम था। अपनी ही कमियों को ढूंढ ढूंढ कर पहचानना और फिर उसे पेन डाउन करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो खुद में कमियां दिखती ही नहीं थी। मैं तो ठीक ही ठाक हूँ, बदलने के काम तो सामने वाले को करना है, एनवायरमेंट में होना है, ऐसी सोच के साथ कहाँ कमियां मिलती हैं। पर जब अभ्यास के दौरान सारे लूप होल्स खुद में दिखने शुरू हुए, तो एक एक को पहचान कर उसमें परिमार्जन के कार्य में लगना बड़ा ही आराम देने लगा। ये मेरी एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो अपनी योग्यता को बढ़ाना और अभ्यास की प्रक्रिया को बढ़ाना, क्योंकि ये मैं जान गई हूँ कि जब तक ये राइट फीलिंग और नेचुरली एक्सेप्टेड फीलिंग नहीं आएगी, मेरे अंदर स्थापित नहीं होगी, तो मेरा सुख भी स्थायी रूप से मुझे मेरे स्वभाव के रूप में नहीं मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट अगर मैं देखूँ, प्रकृति से मेरी एक नई पहचान हुई है। बींग अ साइंस स्टूडेंट्स एंड बींग अ पार्ट ऑफ द फैमिली जिसके रूट्स गांव में है, खेत बाग बगीचों से हैं, वो प्रकृति के करीब तो है पर प्रकृति के साथ संबंध को स्वीकारे हुए हैं, ऐसा कहना जरा मुश्किल है। मेरा प्रकृति के साथ संबंध को पहचानना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव इन चार महीनों में बढ़ा है। सॉयल प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, इन सब के बारे में बहुत पढ़ा है और बहुत पढ़ाया भी है, पर संबंध को पहली बार जाना कि कैसे मेरा अस्तित्व इन सब के म्यूचुअल कोऑपरेशन से है। पदार्थ अवस्था ना होती तो प्राण अवस्था का अस्तित्व ना होता, प्राण अवस्था ना होती तो जीव अवस्था का अस्तित्व ना होता, जीव अवस्था ना होती तो मेरा माने मानव का अस्तित्व ना होता। तो हर एक के अस्तित्व का एक पर्पस है और वो अपने पर्पस के साथ है। मेरा माने मानव का अस्तित्व इन सबके पर्पस को जानना और ये जानने के साथ साथ अपने होने के पर्पस को भी जानना है, और यही ज्ञान है। ये मुझे इन चार महीनों में बहुत ज्यादा क्लियर हुआ।
अब अगर मैं अस्तित्व की ओर देखूं तो जानना अभी बहुत बाकी है। इंफॉर्मेशन के रूप में अभी तक मानना ही हुआ है। चार अवस्था का प्रकृति में होना, प्रकृति का शून्य में होना, शून्य में होने मात्र से ही हर एक इकाई का स्वनियंत्रित, स्वव्यवस्थित, क्रियाशील और ऊर्जावान होना तथा परस्परता में दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानना और निर्वाह करना, इन सब चीजों को शर्मिला दीदी और कुमार भैया के द्वारा ज्ञान रूप में देना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा। इन दोनों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। चारों अवस्था के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म की भी जानकारी हुई। क्योंकि अभी की स्टेट अगर मैं देखूं तो क्योंकि मेरे पूरे अस्तित्व को ग्रॉस आई से मैं देख ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये संभव भी नहीं है और इसके लिए अनुभव की आंखों की आवश्यकता है। परंतु फिर भी काफी चीजें अभ्यास करते हुए कल्पना में अनुभव होती दिखती हैं। पर ये मेरी कल्पनाशीलता ही है, अनुभव नहीं है, ऐसा भी मुझे ज्ञात है। अस्तित्व में कण कण में व्यवस्था है, सहयोग है, आदान प्रदान है, संबंध है, ये मेरी कल्पनाशीलता में दिखता है। चाहे वो शरीर का एक छोटा सा सेल हो, कोशिका हो, या सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट हो, या उनके मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, या पूरा यूनिवर्स में सन, प्लैनेट, स्टार्स हो, सबके प्रेजेंस से आपस में एक दूसरे पर सहयोगी प्रभाव और हार्मोनी दिखती है। पेड़ का मिट्टी पानी से संबंध, उसमें रहने वाले अनेक छोटे बड़े जीव जंतु, सबका पूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने में सहयोग दिखता है। पूरे अस्तित्व को जब कल्पनाशीलता में फैलाती हूँ तो प्रेम रूपी संबंध दिखता है, सत्य रूपी सह अस्तित्व और हरेक व्यवस्था में हार्मोनी, व्यवस्था माने हार्मोनी दिखती है। सह अस्तित्व की पूरी जानकारी ना होने के कारण मुझे कभी कभी प्रकृति से भय भी लगता था, जैसे फ्लड, लैंडस्लाइड, वोल्केनोस। परंतु अब समझ में आया कि ये सारी प्रक्रियाएं प्रकृति की व्यवस्था के रूप में ही है और प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग हो, ऐसा मैं अपने परिवार में नियमित रूप से चेक भी करती हूँ। और सौभाग्य से मुझे ऐसा परिवार भी मिला है जहाँ पर प्रकृति के संसाधनों को बहुत सही रूप से यूज करने वाले मेरे परिवार में सदस्य हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरी मान्यता बदली। हम लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब है। मेरे बचपन से ही मेरे पिताजी क्योंकि डिफेंस में रहे हैं और मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम लोग कई सारी चीजें जब भी ट्रांसफर होता था तो बहुत जो चीजें यूज की नहीं है उनको हटा देने की एक एक प्रक्रिया सी ही है कि किसी को दे दो या हटा दो। तो मेरे पास एक पुराना सा स्टूल था ड्रेसिंग टेबल का, जो जिसको बिन के बनाते हैं ना, जैसे तार बिनते हैं, वैसा वाला एक स्टूल था जिसके तार निकल आए थे। तो वो ये था कि अब ये चीज हटा दो, क्योंकि बचपन से सुना था कि टूटी फूटी चीज घर में नहीं रहना चाहिए, वो अशुभ होता है। पर इस बार मैंने वो स्टूल नहीं फेंका और वो स्टूल को वापस से बनवा करके अभी तक वो यूज में आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि घर में भी अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी और पानी का दुरुपयोग ना हो, ये ध्यान में रखते ही हैं। और चिड़िया के लिए, जानवरों के लिए छत पर पानी रखना, गीला कचरा और सूखा कचरा को सेग्रीगेट करके ही सफाई वाले भैया को हैंडओवर करना और साधनों का प्रॉपरली यूज करना। यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा इंसिडेंट लूंगी। मेरी बड़ी बेटी बैंगलोर में पढ़ाई कर रही है और ये एग्जामिनेशन के दौरान उसकी सैंडल टूट गई और उसके आसपास कोई मोची भैया भी नहीं बैठते हैं कॉलेज के आसपास, तो वो टूटी हुई सैंडल अपने बैग में पैक करके लखनऊ लेके आई और यहाँ पर पे उसने अपने मोची पास में बैठते हैं उनसे वो बनवाया और वापस से उसको लेके गई। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि परिवार में भी, बच्चों में भी ये सही जानकारी जा रही है कि
चीजों को यूज करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना. रिसाइकल के लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि पॉलिथीन्स को हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, एक तरह के प्लास्टिक बॉटल्स में उसको भर के इको ब्रिक बनाने का कार्यक्रम मेरे यहाँ पिछले 2-3 सालों से चल रहा है. हमने कम से कम 20-25 ऐसे इको ब्रिक्स को बना के नगर निगम को हैंडओवर किया है. अगर मैं मानवीय आचरण की बात करूं तो मुझे ये पता चला है कि संबंध तो है पर हमें ही उसे पहचानना है. मैंने ये भी अपने में देखा कि नासमझी और अज्ञानता वश मैंने जो संबंधों में सही आचरण नहीं किया, बेशक वो सामने सामने व्यक्त नहीं किया, जैसे कि इन लॉज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, हस्बैंड के साथ, भाई बहन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना और फिर इंटरनल रिएक्शंस देते जाना. इस तरह का इंटरनल रिएक्शंस को बच्चों से छुपाया नहीं जा सकता, वे वो चीजें अनजाने में मेरे आचरण से सीख ही रहे थे जो फ्यूचर में उनकी ग्रोथ के लिए ऑब्स्टिकल पैदा कर सकता था. जब मैंने अपनी समझ पे काम किया तो संबंधों पर भी काम किया और ऑनेस्टली अपने बच्चों के सामने कन्फेस भी किया कि मेरी अज्ञानता और अपूर्ण आचरण की वजह से रिश्तों की कड़वाहट मैंने उनके मासूम दिमाग में डाली. पर अब जब समझ के साथ कन्फेशन दिखता है, मेरे भावों में संबंधों के प्रति उपलब्धि दिखती है, तो मेरे बच्चों के सामने मैं खुद को एक को एक्सप्लोरर की तरह पाती हूँ. संबंध पूर्ण रूप से कभी बिगड़े भी नहीं थे पर पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं थे. अब अपना और संबंधियों का सही मूल्यांकन करके, अपना और संबंधियों का कॉम्पिटेंस लेवल जांच कर परिवार में प्रोग्राम बनाती हूँ और परिवार सभा में काफी हद तक सफलता भी मिली है. एटलीस्ट कुछ हद तक शिकायत मुक्त संबंध दिखते हैं. कई सारे डॉर्मेंट संस्कार हैं जो सुप्त अवस्था में हैं, उन पर भी काम करना है, उन्हें पहचानना है और सहज स्वीकृति के साथ उसको एनलाइन करना है ताकि मैं कंफर्टेबल या आराम की स्थिति में आ पाऊं. यदि मैं अपने पहले के आचरण को देखूं तो वो माय लाइफ माय रूल पर बेस्ड थे, पर अब सही समझ के साथ, सही भाव के साथ मेरा आचरण माय लाइफ बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंशियल रूल पर आधारित है. मैं अपने आचरण में अब ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास देख पाती हूँ. अस्तित्व के नियमों को समझना मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरी प्रायोरिटी बनती है, ऐसा मुझे दिखता है. क्योंकि इस बात की समझ बन रही है कि एग्जिस्टेंशियल नियम के विरोध में डिसहारमोनी है, दुख है, और एग्जिस्टेंशियल नियम के साथ हारमोनी और सुख है. मेरे सेल्फ को समझना मेरे लिए आरामदायक काम है. ऐसा करने में फ्रस्ट्रेशन और ब्लेम गेम का जो परसेंटेज जो काफी हद तक उसका उसमें कमी आई है. अब मैं एक मेजरिंग स्केल के साथ जीती हूँ कि मेरी समझ कितनी बनी है उसका प्रमाण मेरे आचरण में, मेरे जीने में मेरा परिवार देता है, तो चूक होने की संभावना भी कम होती नजर आती है. अभ्यास एक के लिए कम से कम 15-20 मिनट सुबह और शाम दोनों समय पर लगा रही हूँ नियमित रूप से, जिनमें कल्पनाशीलता को देखना, विचारों से भाव के सोर्स तक की जर्नी को तय करना, फिर उसमें परिमार्जन लाने का कार्य भी चल रहा है, पर इसमें समय लगेगा. अभी तो इन्फॉर्मेशन रूपी ज्ञान का बीज बोया है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाए रखने की कोशिश में हूँ ताकि वो सही रूप से अंकुरित हो और आगे एक घना पेड़ बन सके और अपनी जर्नी तय हो सके. अभी कल्पनाशीलता में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को बनाए रखने की कोशिश जारी है. सबसे बड़ी बात है कि योगिता दीदी की शेयरिंग से एक बात की एश्योरिटी हो गई कि विचार से भाव तक और भाव से व्यवहार तक और उचित व्यवहार से उचित मानवीय आचरण की जर्नी पॉसिबल है और यही मेरे निरंतर सुख का आधार है. इसी से संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व की समझ धीरे धीरे बनेगी. बड़ी बात यह है कि पॉसिबिलिटी दिख गई है,
डिटेल्स में काम करना अभी बाकी है। अभ्यास दो में शरीर और चैतन्य में दूरी, सूचना और संवेदनाओं की बारीकी से जांचना बाकी है। अभी तक की स्थिति में तो ज्यादातर मैं प्रतिक्रिया अथवा संवेदना की परतंत्रता में ही खुद को पाती हूँ। जिम्मेदारी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए बहुत काम करना है। अपने शरीर को उपयोगी साधन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा काम करना है। मैं अलोंग विद होल प्रकृति, प्रकृति की हर एक इकाई का शून्य में संपर्क होना, क्रियाशील, ऊर्जावान, स्वनियंत्रित होना, ऐसा देख पाना अभी की मेरी स्थिति नहीं है। ये सिर्फ अभी मेरी कल्पनाशीलता में है, विचारों में है, अनुभव की ओर गति करने का प्रयास जारी है। यूएचवी की जर्नी को अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही सुंदर एहसास के साथ जीना हो रहा है कि मेरी भूमिका एज ए सक्सेसफुल टीचर एंड एज ए सक्सेसफुल मदर तब पूरी होगी जब मैं एक जिम्मेदार, ऑनरेबल, स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल तथा समझदार पीढ़ी इस धरती को दे पाऊंगी, ताकि वो एक समझदार पेरेंट्स बन पाए और अपनी भावी पीढ़ी को समझदार और जिम्मेदार बना पाए। तब मेरा मानव होना शिक्षा संस्कार विधि से पूरा होगा और इसके लिए मुझे खुद को समझदार प्लस जिम्मेदार बनाना मेरी अनिवार्यता है, ऐसा मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है। गत 4 महीनों में मैं अभ्यास प्रक्रिया के दौरान अपने आप को बहुत आराम की स्थिति में पाती हूँ और स्वयं की समझ के लिए मुझे अपना हर क्षण लगाना पड़ेगा, हर क्षण भाव के प्रति सजग रहना होगा, खुद को दृष्टा के लेवल पे जाके देखना होगा, उससे कम में तो काम नहीं चलेगा। अभी की अगर मैं स्टेट देखूं अपने आप की तो मैं अध्ययन प्लस वीडियो की मदद से 4 से 5 घंटे दिन में लगा रही हूँ। अध्ययन में मध्यस्थ दर्शन की बुक्स का कर रही हूँ और जो सामाजिक भागीदारी है, वैसे तो सामाजिक भागीदारी के रूप में कई फ्री सेशंस लिए हैं मुंबई में भी, लखनऊ में भी, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, परंतु यूएचवी के कंटेंट की रोशनी में खुद को तैयार करना अभी बाकी है। उसके लिए मैं बहुत जल्द ही 3 से 4 घंटे के कमिटमेंट की स्थिति में आ जाऊंगी। इसके लिए यूएचवी टीम की मदद चाहिए होगी और ताकि मैं ये चेक कर पाऊं कि मेरी तैयारी कैसी हो और किस तरह सार्थक हो, क्योंकि दिन के 24 घंटे में से मैक्सिमम आज को प्रोडक्टिव कामों में लगाना और अपने मानव होने का पर्पस क्लियर करना, ऐसी समझ बनती है। और लास्ट में थैंक यू ऑल माय को एक्सप्लोरर और थैंक यू यूएचवी टीम, कुमार भैया, शर्मिला दीदी, गणेश भैया, बहुत बहुत आभार है आप लोगों का। और स्पेशली यशवंत भैया और तारा प्रसन्न भैया, आप लोगों ने जो बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज दिए वट एवर क्वेरी आई हैड ड्यूरिंग दिस यूएचवी जर्नी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दीदी ने जो शेयरिंग की तो उन्होंने विधिवत सारे स्टेप्स पे, सारे पॉइंट्स पे बात तो रखी और अच्छी बात है। ये जो प्रतिदिन 4 से 5 घंटा लगा रही हैं, अभ्यास एक को प्रतिदिन 20 मिनट सुबह और शाम कर रही हैं, तो बहुत ही निष्ठापूर्वक आप अभ्यास कर रही हैं, बहुत अच्छी संभावना है इसमें। आप और देखें कि कैसे हमारी गति और बढ़ सकती है। आप भागीदारी के रूप में अभी दीदी क्या कर पा रही हैं, अर्चना दीदी? भैया तो ऐसे यूएचवी में मेरी कोई ऐसा भागीदारी नहीं है, मतलब यूएचवी के कंटेंट को लेकर के मेरी कोई भागीदारी अभी तक नहीं है। मैंने बल्कि गूगल फॉर्म भरा भी है उसमें, भैया मुझे थोड़ा सा ना जानकारी भी कम है कि कहाँ जाऊँ, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा यूएचवी के मेंबर्स को के साथ मुझे थोड़ा सा संवाद करने की भी जरूरत है। अभी तक तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी स्थिति बनी है या नहीं बनी है, या आगे की अगर मेरी स्थिति बन गई है तो मैं कहाँ पर फिट हो रही हूँ। जी जी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उपासना दीदी को एक बार संपर्क कर लें, नॉर्थ रीजन में आप हैं, लखनऊ में हैं, तो उपासना दीदी को एक बार संपर्क कर लें और फिर हम लोग सोच सकते हैं कि आप आगे कैसे भागीदारी कर सकती हैं। क्या भागीदारी करते समय जब हम व्यवहार करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं,
तो उसमें हमारी गति और सटीक ढंग से आगे बढ़ती है ना। तो ये एक मुद्दा है थोड़ा सा आपके ध्यान देने के लिए, बाकी अच्छा है तो बढ़िया है। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, समय भी हो गया है तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद भैया।